अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, आई एम इम्तियाज एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवांस टेक्निकल इन्फो। आज हम फोटोशॉप में हॉरर आईज वाली कुछ इस तरह की एडिटिंग करने वाले हैं, तो एंड तक हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलते हैं ट्यूटोरियल की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेयर पैनल में नीचे यहाँ पर प्लस वाले निशान पर क्लिक करके एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे। एम्प्टी लेयर ले लेने के बाद आपने पिक्चर को कुछ जूम करना है इस तरह से। ये सब कर देने के बाद फोरग्राउंड कलर आपने ब्लैक सेलेक्ट करना है यहाँ पर, और सिंपली ब्रश टूल को सेलेक्ट करके या शॉर्ट कमांड बी से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ब्रश टूल सेलेक्ट करके आपने आईज के वाइट वाले पोर्शन पर इस तरह से कुछ पेंट कर देना है। आईज पर पेंट कर देने के बाद हम लेयर पैनल में नीचे यहाँ पर क्रिएट न्यू फिल और एडजस्टमेंट लेयर वाले निशान पर क्लिक करके कलर लुकअप में जाएंगे और यहाँ से हम इसको मून लाइट कर देंगे। मून लाइट कर देने के बाद पिक्चर डार्क हो जाएगी, यानी नाइट वाली फ़ोटो हो जाएगी। तो इसके बाद हम लेयर पैनल पर डबल क्लिक करेंगे थंबनेल पर यहाँ पर, तो ये डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमने आउटर ग्लो, ये जो यहाँ आपको दिख रहा है नीचे, इसके ऊपर डबल क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमारे सामने ओपन होगा। तो हमने सिंपली यहाँ पर कलर को सेलेक्ट करना है। कलर यहाँ आपने रेड सेलेक्ट करना है। रेड सेलेक्ट कर देने के बाद आप यहाँ पर साइज़ को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जितना चाहें ले लें। मेरे केस में मैं नियरली 57 या 50 के करीब ले रहा हूँ, और ओपासिटी को भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से चेंज कर सकते हैं अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग, जितना मर्जी चाहे ले लें। ये सब कर देने के बाद ओके पे क्लिक कर दें। ओके पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर लेयर पैनल में आपको ऊपर ये वाला निशान देखने को मिलेगा, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से इमेज को फ्लैटन कर देना है, यानी एक ही लेयर में तब्दील कर देना है। और उसके बाद हम यहाँ ऊपर फिल्टर मेन्यू से कैमरा रा टूल में चले जाएंगे। कैमरा रा टूल में जाने के बाद यहाँ से हम कुछ इसकी एडजस्टमेंट करेंगे। यहाँ पर आपने क्लैरिटी को बढ़ा देना है, अपने पिक्चर के अकॉर्डिंग आपने बढ़ाना है। तो मैं 30 के करीब ही ले रहा हूँ, तो वाइटनेस को भी हम थोड़ा बढ़ा देंगे, वाइट्स कलर को। इसके बाद शेडो को भी थोड़ा सा बढ़ा दें, और वाइब्रेंस को भी चाहे तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। देन इसके बाद कीबोर्ड में सिंपली इंटर प्रेस कर दें। हमारा ट्यूटोरियल तकरीबन कंप्लीट है। इंटर प्रेस कर दें और इसको फिट करके स्क्रीन पर आप देख लें कि किस तरह लग रही है आपकी पिक्चर। देन इसके बाद आप फाइल से अपनी फ़ोटो को सेव कर सकते हैं। तो ये थी आज की ट्यूटोरियल दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।